बहुत सारे लोग मेरे से अक्सर ये पूछते हैं कि तुर्की में अपार्टमेंट्स के रेंट कितने हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और पानी के बिल कितने आते हैं, फूड और ग्रोसरी पर कितने पैसे लग जाते हैं, तुर्की में ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्चा हो जाता है। आज मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एज अ स्टूडेंट या फिर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ तुर्की में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपका हर मंथ कितना खर्चा हो जाएगा, आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट योर होल एक्सपेंसेस। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, यू विल गेट टू नो सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाउ मच इज द हाउस रेंट्स इन तुर्की। 2 rooms वाला फर्निश्ड अपार्टमेंट जिसमें आपको काफी फैसिलिटीज भी मिलेंगी, जैसे कि फ्रिज, ओवन, वॉशिंग मशीन, कुछ थोड़ा बहुत फर्नीचर, सम यूटेंसिल्स वगैरह, इस तरह का अपार्टमेंट आपको इस्तांबुल के अलावा दूसरी सिटीज में 1200 से 1800 तुर्किश लिरा तक इजीली मिल जाता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 29,000 से 43,000 रुपए बन जाते हैं। और अगर आप नॉन फर्निश्ड घर लेते हैं, यानी खाली घर जिसमें ना तो वॉशिंग मशीन ना फ्रिज, सिर्फ और सिर्फ खाली घर, तो ये घर काफी सस्ता पड़ जाता है, जो तकरीबन 700 से 1500 तुर्किश लिरा की रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हॉस्टल्स और डॉर्मेटोरीज हैं। जो बच्चे तो यहाँ पर स्कॉलरशिप्स पर पढ़ने आते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट के हॉस्टल्स में रहते हैं, और गवर्नमेंट के हॉस्टल्स काफी सस्ते हैं। पर मंथ आपको 200-300 तुर्किश लिरा में सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ने आते हैं तो तुर्की में प्राइवेट सेक्टर्स के लिए प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं। 500 तुर्किश लिरा तक आपको प्राइवेट हॉस्टल में जगह मिल जाती है इजीली। इसमें खाना इंक्लूड नहीं होता, अगर आप खाना भी ऐड करवा लें तो मैक्सिमम 700 तुर्किश लिरा में आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें खाना पीना, रहना, कपड़े धोना, सब कुछ। एक रूम में अक्सर 2 से 3 स्टूडेंट्स साथ रहते हैं, लेकिन बॉयज और गर्ल्स के हॉस्टल्स सेपरेट हैं। इस्तांबुल के अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी और सिटी में रहता है तो उसका मैक्सिमम खर्चा 1000 से 1200 तुर्किश लिरा तक है। इसमें उसका सब कुछ हो जाता है, रहना, खाना, पीना, घूमना फिरना, सब कुछ इजीली हो जाता है। अब बात करते हैं इस्तांबुल के अपार्टमेंट्स की, बिकॉज इस्तांबुल इज वेरी क्राउडेड एंड वेरी एक्सपेंसिव। इस्तांबुल में आपको 2 rooms वाला फर्निश्ड अपार्टमेंट 2200 से 3000 तुर्किश लिरा तक मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया। अगर तो आप तकसीम स्क्वायर के करीब घर लेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी रियली एक्सपेंसिव। तुर्की में अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, इसके साथ साथ आपको गैस और पानी का बिल भी पे करना पड़ता है। इस्तांबुल के अलावा बाकी सिटीज में आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल 100 से 150 तुर्किश लिरा तक आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज। और पानी का बिल तकरीबन 100 तुर्किश लिरा तक आता है, और गैस का बिल भी तकरीबन 150 तुर्किश लिरा तक आ जाता है। तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको हर मंथ तकरीबन 400 से 500 तुर्किश लिरा तक बिल्स भी पे करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं फूड एक्सपेंसेस की। फूड इज रियली गुड, हेल्दी एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव इन तुर्की। अगर आप रोज बाहर कैफे से और रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाते, घर पर खाना बना लेते हैं तो आपका हर मंथ मैक्सिमम 200 से 300 तुर्किश लिरा खाने का खर्चा है बस। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग की। तुर्की की ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है। हर सिटी में, स्पेशली इस्तांबुल में, आपको हर जगह मेट्रो, ट्रैम्स और ऑटोबस इजीली मिल जाती हैं। दिस इज माय इस्तांबुल ट्रांसपोर्टेशन कार्ड। ये आपको इस्तांबुल के मेट्रो स्टेशन से इजीली मिल जाता है। वहाँ पर मशीन्स लगी होती हैं, उनमें 10 से 15 तुर्किश लिरा डालो एंड दे विल गिव यू दिस तुर्किश कार्ड। ये कार्ड आप इस्तांबुल में हर जगह यूज कर सकते हैं, ऑटोबस में, मेट्रो में, ट्रैम्स में, इवन ऑन द शिप्स। You can use this card on anywhere in Istanbul. And never use a taxi in Istanbul. Istanbul ke taxi drivers, they normally scam people. So be careful, jab bhi aap Istanbul aaye, try to avoid the taxi and try to get this card.
अगर आप तुर्की में कुछ दिन रहने आ रहे हैं तो फिर काइंडली आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करा कर आएँ। यू कैन यूज़ Airbnb, इट इज़ द बेस्ट साइट। ऑनलाइन बुकिंग से आप एक्स्ट्रा मनी पे करने से बच जाएंगे। और एक और वेबसाइट है जो तुर्की में सबसे ज़्यादा मशहूर है, विच इज़ साहिबिंदान। अगर आप घर ढूंढ रहे हैं और तुर्की में अपार्टमेंट ढूंढना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट। यू कैन फाइंड दिस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके और मजीद क्वेश्चन हैं तो राइट देम इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। और काइंडली लाइक द वीडियो, और अगर ज्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कर दो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपको वेरी सून विद अ वेरी नाइस वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स। शोर आउट।